नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान हेल्थ टिप्स। कई सारी महिलाओं को चेहरे पर अनचाहे बाल होने की परेशानी काफी ज्यादा हो जाती है, लेकिन अगर आप फेस की खूबसूरती के लिए कच्चे पपीते का इस्तेमाल करेंगे तो आपके फेस पर नजर आने वाले अनचाहे बालों की परेशानी दूर होगी। तो आप ये पपीते का उपयोग करिए। सुंदर चेहरा हर किसी को पसंद है, लेकिन लड़कियों के चेहरे पर अगर बाल उगते हैं तो वो लड़की के चेहरे का निखार कम करता है। इसके साथ लड़की के चेहरे का सौंदर्य कम करता है। चेहरे पर बाल होने के कारण आपका गोरा रंग भी चेहरे का रंग काला दिखने लगता है। इसके लिए महिलाएं कई सारे ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो कम खर्च और बेहतर रिजल्ट देता है। तो आइए जानते हैं कच्चे पपीते से होने वाले फ़ायदे। कच्चा पपीता बालों में चिपक कर उसे मजबूती के साथ तोड़ता है। यहाँ पर हम 3 होममेड कच्चे पपीते का फेस पैक बनाना सिखा रहे हैं, जो आपके शरीर और चेहरे के अनचाहे बालों को निकालने में मदद करेगा। कच्चा पपीता और हल्दी का पैक। हल्दी भी अनचाहे बालों से छुटकारा दिलाने में सहायक है और एंटी बैक्टीरियल प्रभाव के कारण ये इन्फेक्शन से भी बचाती है। कच्चे पपीते के कुछ टुकड़े लें और इन्हें कुचलकर पेस्ट बना लें। इसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाएं। इस पेस्ट को प्रभावित हिस्से पर लगाएं और सूखने तक लगा रहने दें। सूखने पर अच्छी तरह से रगड़ लें। रगड़ने से अनचाहे बाल हट जाएंगे। ऐसा हफ्ते में 1 बार करें। कच्चा पपीता और एलोवेरा जेल सामग्री। कच्चा पपीता पेस्ट 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून एलोवेरा जेल और 2 टीस्पून बेसन। एक कटोरी में कच्चे पपीते का पेस्ट डालकर उसके साथ हल्दी, बेसन और एलोवेरा जेल मिलाएं। आप चाहें तो एलोवेरा ताज़ी पत्तियों से निकाल सकती हैं। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर दें और चेहरे पर लगाएं। फिर इसे चेहरे पर लगाकर 20 मिनट तक छोड़ दें। उसके बाद इसे पानी से रगड़कर धो लें। आप इसे रेगुलर चेहरे पर लगा सकती हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।